नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तीन आसान सा तरीका बताऊँगा जिसके द्वारा आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। थ्री सिंपल वेज टू क्रिएट ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 या 13 या 16, कोई सा भी वर्सन आप यूज़ कर रहे हैं, उस सब में आप कर सकते हैं। तीन तरीके से आप नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैं फ़िलहाल आपको बता रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के अंदर। तो सबसे पहला आसान सा तरीका क्या है ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का, तो देखिएगा, जब ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे तो कॉर्नर में आपको एक ऑफिस बटन दिखाई देता है। तो ऑफिस बटन में हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक नीचे देखिएगा न्यू का यहाँ पे बटन दिया हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ चुका है। ये एक तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, तो देखिएगा जो रिबन है ठीक उसके बगल में देखिएगा आपका जो ये अलग अलग टैब्स है उसके ठीक ऊपर में, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इस तरह का एक बॉक्स नुमा आपको इस तरह दिखाई देगा, ये कभी कभी यहाँ नीचे पे भी यहाँ पे भी रहता है। तो ये फ़िलहाल मेरा यहाँ पे है, तो इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे ठीक कॉर्नर में सबसे एंडिंग में एक डाउन पॉइंट के करता हुआ एक बटन आपको दिखाई देगा, उस पर अगर वहाँ पे कर्सर रखिएगा तो आप कर्सर रखने से भी यहाँ पे शो करता है, देखिए क्विक एक्सेस टूल बार लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके वो जो बटन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए न्यू का बटन है, इसको आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है न्यू वाला पे, न्यू ओपन सेव है, यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे तो ठीक बगल में देखिएगा पेज नुमा एक आपको यहाँ पे न्यू का ऑप्शन शो करेगा, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, इस पर भी क्लिक कर देंगे तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ जाएगा। अब और तीसरा तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। तो तीसरा तरीका वो है, आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ एन प्रेस करना है। देखिए कीबोर्ड भी यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी मैंने ला रखा है जिससे आप समझने में आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिएगा जो स्पेस बार है उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी कंट्रोल बटन है, उसके राइट हैंड साइड में भी कंट्रोल बटन है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको कंट्रोल की प्रेस करना है। ये मैं कंट्रोल की प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ से कंट्रोल की, ये जो कंट्रोल की प्रेस किया, साथ में आपको एन प्रेस करना है। ये मैं एन प्रेस कर देता हूँ, एन जैसे ही प्रेस करूँगा देखिएगा नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक आ जाएगा, वो है शॉर्टकट। फिर से दिखा देता हूँ, सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कंट्रोल की है, आपको कंट्रोल की दबाना है, ये देखिए मैंने कंट्रोल की दबा रखा है, उसके साथ एन, ये जो एन है एन प्रेस करना है, कंट्रोल की को छोड़ना नहीं है। तो देखिएगा नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे, ये देखिए एन पे प्रेस किया, नया एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। फिर से एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूँ, पहला तरीका आपको दिखाता हूँ, ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद न्यू पे क्लिक करना है, न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स आएगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्रिएट क्लिक कीजिए, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कीजिए तो नया एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। दूसरा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, वह है क्विक एक्सेस टूल बार के माध्यम से। क्विक एक्सेस टूल बार ऊपर दिख रहा है यहाँ पे, कभी कभी नीचे भी रहता है। तो यहाँ पे एक कॉर्नर में देखिएगा छोटा सा पॉइंट पॉइंट करता हुआ जिस जगह लिखा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, उस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे न्यू का बटन अगर ऑन नहीं है तो इसको क्लिक कर दीजिएगा, न्यू यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो एक नया डॉक्यूमेंट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका जो मैंने शॉर्टकट आपको बताया वो है कंट्रोल के साथ आपको एन प्रेस करना है। तो ये कंट्रोल प्रेस किया मैंने और साथ में एन प्रेस कर दिया तो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीका था, तीन आसान सा तरीका जिसके द्वारा आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। किसी में भी आप कर सकते हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 हो, 10 हो, 13 हो, 16 हो, 14 हो, सब में आप कर सकते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।